दुल्हन के घर से लौटी बारात और प्रेमी द्वारा शादी करने से इनकार किए जाने के मामले में पुलिस ने सरफिरे आशिक को गिरफ्तार कर उस पर दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने शादी वाले दिन दूल्हा और बारातियों के मोबाइल पर दुल्हन के साथ पूर्व में खींचे गए कुछ फोटो भेज दिए थे, जिससे नाराज होकर बारात वापस लौट गई थी। वहीं परिजनों ने सरफिरे आशिक के सामने ही शादी करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसने शादी करने से इनकार कर मोबाइल बंद कर भाग गया था, जिसके बाद दुल्हन और उसके परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी शुभम को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर शहर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद कई अधिकार क्षेत्र पुलिस के पास हैं। अब पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए शहर में अशांति फैलाने वाले गुंडे बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही की तैयारियां कर ली हैं। अब तक लगभग 35 बदमाशों को चिन्हित कर लिया गया है। कल शाम तक 10 बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही की गई। शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे और शहर अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर के द्वारा अहम कदम उठाए जा रहे हैं। जिला बदर आरोपियों में छत्रीपुरा थाना क्षेत्र के विक्की पिता इंदर, आनंद पिता इंदर, देवा पिता इंदर, परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के ओम उर्फ काला, यतेंद्र उर्फ महेन, बाणगंगा थाना क्षेत्र के मोहसिन खान, राव के जानी पिता सलीम शाह, थाना राजेंद्र नगर के दिवाकर पिता अशोक, सोनी उर्फ भूरा, तेजाधी नगर थाना क्षेत्र के मनोज पिता धन्ना लाल शामिल है। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र की रहने वाली नवविवाहिता ने पति सास ससुर की प्रताड़ना से तंग होकर पुलिस की शरण ली है। तीनों के खिलाफ विवाहिता ने मामला दर्ज करवाया है। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। नवविवाहिता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी शादी 5 महीने पहले हुई थी। शादी के बाद से ही पति और सास दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। एक बार पहले भी थाने से काउंसलिंग की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इनकी प्रताड़ना बंद नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने अब नव विवाहिता की शिकायत पति और सास ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र की रहने वाली 40 वर्षीय महिला ने अपने ही 27 साल के प्रेमी कुंदन यादव के खिलाफ दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पीड़ित खरगोन में अपने पिता से मुलाकात करने जेल जाती थी। इस दौरान उसकी मुलाकात कुंदन से हुई थी। दोस्ती प्यार में बदल गई और कुंदन ने महिला के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। अब पीड़िता आरोपी के ऊपर शादी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन कुंदन ने शादी से इनकार कर दिया। मामले में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी कुंदन द्वारा उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए शारीरिक संबंध बनाए गए। फिलहाल मामले में पुलिस कुंदन की तलाश कर रही है। कुंदन खरगोन का रहने वाला है। विजयनगर थाना क्षेत्र के द्वारकापुरी में रहने वाले अजय नामक युवक की क्षेत्र में रहने वाले नाबालिग युवती से रिश्ते की बात चल रही थी, लेकिन उम्र कम होने और अन्य कारणों के चलते नाबालिग के पिता ने रिश्ते से इनकार कर दिया था। इसी को लेकर आरोपी अजय नाराज था और वो नाबालिग को बहला फुसलाकर सतवास ले गया और वहां उससे शादी भी कर ली। माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने 2 दिन में नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी अजय को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इंदौर में किराए पर कार लेकर ट्रेवल संचालक के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है। मामला लसूरिया थाना क्षेत्र का है। फरियादी विपिन सिंह ट्रेवल संचालक का काम करता है। आरोपी अक्षय कुमायू द्वारा अनुबंध पत्र के साथ किराए पर कार ली गई थी, जिसमें तीनों कारों को लेकर किराया प्रत्येक माह 56,000 देने की बात कही थी। पर यदि 2 महीने तक पैसे न मिलने के बाद जब अपनी कार वापस लौटाने की बात कही गई, तो आरोपी द्वारा उक्त कारों को कहीं और बेचने की बात सामने आने के बाद पीड़ित ने थाने पर आकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। आरोपी अक्षय कुमायू के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर पूर्व में भी इस तरह के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कई मामले दर्ज हैं, जहां आरोपी किराए की कार लेकर उसे किसी अन्य को गिरवी रख देता या फिर उसे बेच दिया करता था। जालसाजी और ठगी का ये नया तरीका अपनाने वाला शातिर आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाली सीमा चौहान ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि सतपाल सिंह, संतोष सिंह और सतवीर सिंह द्वारा पुष्पा नगर कॉलोनी में एक प्लॉट बुक कराया गया था, जहां महिला द्वारा प्लॉट बुकिंग के लिए 2 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया था। महिला को संबंधित प्लॉट की जानकारी लगी कि पूर्व में ही उस प्लॉट का अन्य कोई और मालिक है। इसके बाद प्रॉपर्टी ब्रोकर सतपाल सिंह, संतोष सिंह और सतवीर सिंह से अपने दिए गए बुकिंग के पैसे वापस मांगने पर तीनों आरोपियों द्वारा महिला को डराया धमकाया जा रहा था। महिला के साथ धोखाधड़ी की गई थी, जिसकी शिकायत संबंधित थाने में की गई। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
इंदौर शहर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि हमने माफिया और मिलावटखोरों के खिलाफ तोड़फोड़ की थी, लेकिन भाजपा बुलडोजर चलाकर राजनीति कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जनता बहुत समझदार हो गई है। जिन्हें कभी पहले हम ज्ञान देते थे, वो आज हमें ज्ञान दे देते हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में भी भ्रष्टाचार हुआ करता था, लेकिन अब भाजपा सरकार में संस्थागत करप्शन जारी है। नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार कम हो गया है। जबकि महंगाई के मुद्दे पर कमलनाथ ने कहा कि अब 56 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का विरोध करने वाले मुख्यमंत्री की साइकिल पंचर हो गई है। उन्होंने कहा अगले चुनाव में कांग्रेस का मुद्दा होगा बेरोजगारी, महंगाई और भाजपा का भ्रष्टाचार। और में पूरे देश भर में युवा कांग्रेस प्रवक्ताओं की खोज कर रही है, जिसका जरिया यूथ कांग्रेसियों ने भाषण प्रतियोगिता को बनाया है। हालांकि ये खोज पूर्व में भी की गई थी, लेकिन इस पूरे अभियान का पंटाधार हो गया है और अब यूथ कांग्रेस एक बार दोबारा यंग इंडिया के बोल सीजन 2 शुरू करने जा रहा है। जिसकी जानकारी देते हुए यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता पराग शर्मा ने बताया कि 18 से 35 वर्ष के युवक युवती इसमें हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने कहा भाजपा ने नफरत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लिहाजा देश के युवा भाषण के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। खरगोन में हिंसा के दौरान एसपी सिद्धार्थ चौधरी को पैर में गोली मारने के मामले में फरार आरोपी मोहसिन उर्फ वसीम पिता जानू उर्फ जान मोहम्मद को पुलिस ने कसरावत थाना क्षेत्र से हिरासत में लिया। पूछताछ जारी है। 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान संजय नगर में पथराव, आगजनी और हिंसा के दौरान खरगोन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी को पैर में गोली लगी। डीआईजी तिलक सिंह के अनुसार आरोपी के पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। आरोपी की रिमांड मांगी जाएगी और पता लगाया जाएगा कि वो किसके संरक्षण में या किसी के निर्देश पर तो काम नहीं कर रहा था। गांव में स्थानीय कृषि उपज मंडी में जिला विपणन अधिकारी श्वेता सिंह व सहायक संचालक कृषि प्रकाश ठाकुर ने पहुंचकर समर्थन मूल्य खरीदी का औचक निरीक्षण किया। चना बेचने आए किसानों से भी चर्चा की व उनसे समस्याएं पूछी। वहीं खरीदी करने वाली मातेश्वरी विपणन संस्था के संस्था प्रबंधक मनोज यादव से भी जानकारी लेते हुए खरीदी को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। जिला विपणन अधिकारी सिंह द्वारा चने की तुलाई, पैकिंग व स्टॉक का निरीक्षण करते हुए बताया कि किसानों को समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र पर समस्या नहीं आना चाहिए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। खरीदी केंद्र के सुचारू चलने पर संस्था प्रबंधक की प्रशंसा भी की।